हरे कृष्णा। आज मैं आपको स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के बारे में बताऊंगी। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि से हुआ था। सुनीति जो थी वो उनको अपनी पत्नी वो कम प्रिय थी और जो सुरुचि थी उनको वो ज्यादा प्रिय थी। उत्तानपाद का सुनीति से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था ध्रुव और उत्तानपाद का जो सुरुचि से पुत्र हुआ था उसका नाम था उत्तम और उत्तानपाद ध्रुव से ज्यादा उत्तम को प्यार करते थे। आगे चल के जो ध्रुव का जो वंश है इसके अंदर उत्तानपाद की जो मैं आप कहानी सुना रही हूँ उसके अंदर ध्रुव एक दो स्टोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्रुव की जैसे हम सभी जानते हैं तो ध्रुव की स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगी और ध्रुव की जो आगे वंश है जब ध्रुव का विवाह हुआ और आगे जब पीढ़ियां चली तो उसके बाद एक राजा प्रथु हुए थे तो राजा प्रथु की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तानपाद की जो पीढ़ी थी उसके अंदर ध्रुव की कहानी और राजा प्रथु की कहानी ये दोनों मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी। तो आज मैं आपको ध्रुव की स्टोरी सुनाती हूँ जो लार्जली हम लोगों को थोड़ा उस स्टोरी का आइडिया भी है। एक बार जो राजा उत्तानपाद थे वो अपने बेटे जो सुरुचि के जो पुत्र था उत्तम उसको गोदी में लेकर बैठे हुए थे तो बालक ध्रुव उनके पास आकर कहता है कि मैं आपके पिताजी मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। तो उस समय उत्तानपाद ने उसको अपनी गोदी में जैसे ही बिठाया तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि जो ध्रुव की सौतेली माँ थी वो वहां पर आती हैं और वहां आके वो जो ध्रुव था उनकी गोदी में बैठा हुआ था उसको भला बुरा कहती हैं और उससे कहती हैं कि तुम नीचे उतरो और तुम इस गोदी में बैठने के काबिल पहले तुम्हें बनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो बड़ा भाई जो है उत्तम जो है वो इस गोदी के हकदार है। तो ये बात ध्रुव को बहुत दिल को बहुत चुभती है और वो रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ से वो कहता है कि वो सारी बात ही अपनी माँ को वर्णन करके बताता है। माँ उसे कहती है कि अगर तुमको सच में अपने पिता का प्यार चाहिए तो तुमको श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। अपनी माँ की ये बात सुनकर ध्रुव वन में चला जाता है। जब वो वन में जा रहा होता है तो उस समय वहां पर उसको नारद जी रास्ते में मिलते हैं। तो नारद जी जो थे नारद जी को जब ये पता चलता है कि ध्रुव जो है वन में जा रहा है और वन में जाकर वो तपस्या करना चाहता है तो पहले तो नारद जी उसको समझाते हैं कि तुम इतनी छोटी उम्र के अंदर तुमको तपस्या के लिए इस प्रकार से वन में नहीं जाना चाहिए। मगर जब वो देखते हैं नारद जी कि ध्रुव के अंदर बहुत दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ वो तपस्या करना चाहता है तो भगवान नारद जी उसको फिर उसको नारद जी उसको समझाते हैं कि तपस्या किस प्रकार से और क्या क्या करके करी जाती है। उस समय नारद जी जो ध्रुव को बताते हैं वो उनको उसको कहते हैं कि तुम यमुना के तट पर आसन जमाकर बैठ जाओ और रेचक पूरक और कुंभक ये तीन प्रकार के प्राणायाम जो होते हैं इनसे धीरे धीरे अपने प्राणों को मन को इंद्रियों को इन सबको संयम में कर श्री हरि का ध्यान में लग जाओ। भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करो और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करो। इस प्रकार ध्रुव ने नारद जी का उपदेश पर अपनी तपस्या आरंभ करी। उधर नारद जी ने जब उत्तानपाद को के पास जाते हैं नारद जी और उसको बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव इस प्रकार से वन में जाकर तपस्या कर रहा है तो उस समय उत्तानपाद को बहुत दुख होता है कि उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को इस प्रकार से जंगल में जाने के लिए विवश कर दिया और वो तो सिर्फ गोदी में ही बैठना चाहता था। उधर ध्रुव जो ध्रुव था वो 3-3 रातों के अंतर पर अब मैं आपको बता रही हूँ कि ध्रुव ने किस प्रकार से भगवान की उपासना करी थी। उधर ध्रुव ने 3-3 रातों के अंतर पर केवल बेर के फल खाकर 1 मास व्यतीत करा। 1 मंथ तक वो सिर्फ बेर के 3-3 दिनों के रातों के गैप से वो सिर्फ बेर का फल ही खाता था। दूसरे महीने उन्होंने 6-6 दिन के अंतर पर सूखे पत्ते और घास खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने उन्होंने 9-9 दिन के अंतर पर जल पीकर समाधि योग में समय बिताया। चौथे मास उन्होंने सांसों को जीतकर 12-12 दिन केवल वायु पीकर
ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना करें। पांचवें मास ध्रुव श्वास को जीतकर एक पैर पर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अपने मन को समस्त विषयों से खींच लिया। उस समय तीनों लोग कांप उठे थे जब ध्रुव जी को उन्होंने ध्रुव ने अपने सारे विषयों को अपनी तरफ रोक लिया, अपने सब कंट्रोल कर लिया अपने उसको। तो उस समय कहते हैं कि उस समय तीनों लोग कांप उठे थे उनकी तपस्या देखकर एक छोटे से बालक की। यह देख सभी देवता श्री हरि के पास गए और उन्होंने भगवान से ध्रुव की रक्षा करने को कहा। उस समय भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव ने तरह तरह से भगवान की स्तुति करी। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, जैसे मैं आपको पहले भी बताया हुआ है कि भगवान की अगर आप स्तुति करते हैं, भगवान के रूप सौंदर्य का या उनकी लीलाओं का गान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार ध्रुव ने भी भगवान की तरह तरह से स्तुति करी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, जिस तेजस्वी अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, जिसकी चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण घूमते रहते हैं, जो अन्य लोगों का नाश होने पर भी स्थिर रहता है, धर्म अग्नि शुक्र और सप्त ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं आज तुमको देता हूं। उस समय जब भगवान आगे कहते हैं कि जब उसके बाद तुम्हारे जो पिताजी हैं, जब तुम्हें राज सिंहासन देकर वन में चले जाएंगे, वो ध्रुव को बता रहे हैं कि तुमको ये लोक तो मैंने तुमको दिया, ध्रुव लोक मैं तुमको दे रहा हूँ, उसके अलावा जब उसके बाद जब तुम्हारे जो पिता है उत्तानपाद जो है, जो आज वो राज सिंहासन पर बैठे हैं, वो प्रसन्न होकर तुमको अपना सारा राजपाट देकर जाएंगे और उसके बाद तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करोगे और तुम्हारी शक्तियां तब भी जोगी त्योगी बनी रहेगी 36,000 वर्ष तक, मतलब तुम अपने यौवन और शक्तिशाली तुम बने रहोगे। आगे चलकर जो तुम्हारा सौतेला भाई है उत्तम, जो दूसरी उत्तानपाद की दूसरी पत्नी थी सुरुचि, मतलब ध्रुव की जो सौतेली माँ थी, उसका जो पुत्र था उत्तम, वो शिकार में मारा जाएगा। भगवान उसको मतलब बता रहे हैं भविष्य का कि वो शिकार में मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि जो है वो दवानल में प्रवेश कर जाएगी, मतलब अपने अग्नि में वो प्रवेश कर जाएगी और तुम धर्म पूर्वक कई यज्ञ करोगे और सब भोग भोग कर अंत में मेरे निजधाम को आ जाओगे, जहां से फिर कोई भी संसार में लौटकर नहीं आता है। ये सब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और भगवान उस समय वहां से चले गए। इसमें एक बात और बताई गई है कि जैसे जब भगवान उसको ये वरदान देकर चले जाते हैं तो ध्रुव क्योंकि बहुत छोटा बालक था, उसको ये बात की समझ नहीं थी कि उसको भगवान जब सामने प्रकट हुए तो भगवान से उसको क्या मांगना चाहिए। तो जब भगवान चले जाते हैं तब ध्रुव को उसमें बहुत पछतावा होता है कि उसने भगवान से ये भोग मांगा, मतलब मांगा तो नहीं था मगर वो चुप था, तो भगवान ने उसको भोग दिया, उस पूरा पृथ्वी पर राज करने का इतने सालों का उसको दिया, समय दिया। तो ध्रुव उस समय बहुत दुखी होकर मन में सोचते हैं कि मैंने इसी समय इसी पल ही भगवान से मोक्ष क्यों नहीं मांगा। कुछ समय बीत जाने के बाद जब ध्रुव को उत्तानपाद राज सिंहासन देते हैं और वो राजा बनते हैं, तो उत्तम एक बार शिकार करने जाते हैं, उनको जो भाई सौतेला भाई था, और वो शिकार में मारे जाते हैं, उनको यक्ष जो थे उनको मार डालते हैं। उस समय जो ध्रुव थे यक्षों पर उन्होंने आक्रमण करा और बहुत यक्षों को उन्होंने संहार करा, उनको मारा। उस समय मनु जी आकर ध्रुव को रोकते हैं कि उनको इस प्रकार यक्षों का संहार नहीं करना चाहिए। और जब मनु जी उसको रोकते हैं ध्रुव को, तो ध्रुव को एहसास होता है और वो उस युद्ध को रोक देते हैं। जब ध्रुव युद्ध को रोकते हैं तब कुबेर जी वहां आते हैं और कुबेर जी प्रसन्न होकर ध्रुव को वरदान देते हैं। और तब ध्रुव उनसे वरदान जब लेता है तो मतलब वो कहते हैं तुम वरदान मांगो, तो ध्रुव तब कुबेर जी से वरदान मांगता है कि मुझे भगवान की स्मृति और स्मरण हमेशा बना रहे। और ध्रुव इस प्रकार से भगवान के अपने उनके निजधाम के लिए, उसके बाद वो एक विमान आता है और ध्रुव को वो विमान अपने साथ लेकर चला जाता है। उस जिस समय विमान में ध्रुव जा रहे थे तो भगवान के जो पार्षद थे नंद और सुनंदन, वो ध्रुव को लेने के लिए आते हैं, तो ध्रुव अपनी माता सुनीति को भी साथ में उस विमान में ले जाता है।
तो ये स्टोरी आज मैंने आपको ध्रुव के बारे में बताई है, और अब नेक्स्ट स्टोरी जो अब इसके बाद मैं और आगे बताऊंगी। अब ध्रुव की जो पत्नी थी और उनकी जो आगे वंश चले थे, बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट हाँ डेफिनेटली राजा प्रथु तक पहुंचने के लिए मुझको आपका थोड़ा सा बताते हुए, राजा प्रथु की जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है भागवतम में, उस तक पहुंचने के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा बेस बनाकर आगे तक बताना पड़ेगा। और राजा प्रथु की कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगी तो वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, और बहुत आपको सुनकर बहुत आप में भी अपने आप को बदलने की इच्छा प्रकट होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर दोबारा से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।